न्यू बाइक आप लोगों को देख रही होगी, तो ये है भाई प्रिंस भाई की RS 200। जाने देंगे? और इधर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई, तो जगह तो बहुत बढ़िया है। मैं थोड़ी चल रहा हूँ भाई, अरे हम तो आराम से चल रहे हैं। वीडियो पढ़िए सर, वीडियो पढ़िए पूरी, उस पर रेस उस पर उसकी आवाज ही वैसी है सर, वो अरे सर वो आराम से भी चलेगा ना, उसकी आवाज ही वैसी है। और ध्यान से देखिए भाई इन शख्स को, जानते हो इन्हें कौन कौन जाता है, कमेंट करके बताओ कौन कौन जाता है भाई इनको। अच्छा तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर गुड। तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की ये वीडियो भाई कुछ ऐसी लोकेशन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग पुरानी रोड पे, यहाँ पे हम लोगों ने अभी धुलाई वगैरह कराई बाइक की, तो अभी बाइक जो है बिल्कुल चमक चुकी है भाई, अपना डॉक्टर भी, ये भी, और एक न्यू सरप्राइज न्यू बाइक आप लोगों को देख रही होगी, तो ये है भाई प्रिंस भाई की RS 200, जिन्होंने अभी रिसेंटली परचेस किया। हम लोग इस पर वीडियोज नहीं बना पाए, ना ही हम लोग डिलीवरी के दिन भाई जा पाए, तो कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था, ठीक है, वरना भाई इसकी भी डिलीवरी की एक वीडियो आनी थी स्पेसिफिक, बट नहीं आ पाई, ठीक है। बट अभी आप लोग देख लो, तो अभी कुछ ही दिन हुआ है भाई इसको, 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है, और भाई इसने देखो क्या अभी क्या किया, इतनी क्या लोतरा है भाई, ठीक है। तो अभी आज हमारा प्लान बना है कुछ राइड का नहीं, बट नॉर्मल हम लोग सिटी वगैरह में जाते भाई इधर उधर, तो वैसे प्लान बना है खाली वीडियोस शूट करने के लिए भी, क्योंकि वीडियोस भी नहीं थी अपने पास। और मेरी वीडियोस ये वाली लेट क्यों आ रही है उसके पीछे भी आप लोगों को एक रीज़न है, तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग मार्केट साइड जाएंगे तो आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अपने वाली रोड पे ना कुछ सीन हो रखा भाई, उस वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया, ठीक है। तो अभी यहां से चलते हैं और आप लोगों को मिलेंगे भाई सीधा डायरेक्ट बाइक पे। अब लोगों ने बाइक तो उतार दी है वहां से, अभी जा रहे हैं सबसे पहले फ्यूल अप कराने, क्योंकि फ्यूल भाई मेरी बाइक पे तो नहीं है, अभिजीत भाई की टंकी तो फुल है, बट मुझे फ्यूल अप कराना है भाई। तो फ्यूल अप करते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं भाई। तो फ्यूल अप हम लोगों ने करवा लिया है भाई, और अभी चलते हैं मार्केट की तरफ, और वहां जाके आप लोगों को बताऊंगा भाई कि मैं कुछ दिनों से वीडियोस क्यों नहीं डाल पाया। तो अभी पता नहीं भाई, हम लोग आ तो गए हैं भाई इस वाली रोड पे, ये जो रोड आप लोगों की बासासोल की तरफ जाती है, और न्यूटरी भी यहीं से जाते हैं भाई, और अभी कुछ पता नहीं है कहाँ जाने वाले हैं हम लोग भाई, हमें पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं तो इन दोनों के पीछे लगा हुआ हूँ, अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं वो कुछ पता नहीं। जाने देंगे? तो अभी मैं इस वाले एरिया पे तो आ चुका हूँ, बट मुझे पता नहीं है भाई कहाँ है, बट देखते हैं आज कैसा प्लान बनता है भाई। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ इधर, तो ये है ना जो ये भाई बासासोल में कौन सा कॉलेज है भाई, और इधर मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई, तो जगह तो बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है भाई दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है। मैं भी शाम के टाइम आप लोगों को थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा क्राउड, और अभी के टाइम पे तो ये खाली है भाई। और अभी हमारा प्लान बना है भाई कोटी कॉलोनी जाने का, ठीक है। तो अभी यहाँ से भाई डायरेक्ट सीधे निकलते हैं कोटी के लिए, घर मैं थोड़ी चल रहा हूँ भाई, अरे हम तो आराम से चल रहे हैं। वीडियो पढ़िए सर, वीडियो पढ़िए पूरी, उस पर रेस उस पर उसकी आवाज़ ही वैसी है सर, वो अरे सर वो आराम से भी चलेगा ना, उसकी आवाज़ ही वैसी है, वो आराम से भी चलेगा वैसी है। अरे अरे सर, तो सर वो आराम से भी चलेगा ना, तो उसकी साउंड ऐसी है। भाई हमको बोल रहे कि हम लोग रेस कर रहे हैं इधर,
अबे भाई वो जगह है क्या रेस करने के लिए? कि रेस एक स्पेसिफिक जगह पे होती है, यही नहीं कि कहीं भी बोल दो भाई कि तुम लोग रेस कर रहे हो। अब उस एरिया में हम लोग कहाँ रेस करेंगे भाई, वो जगह भी है पहले रेस करने के लिए। अब बात रही साउंड की, तो यार उसको उस पर एग्जॉस्टिव ऐसा लगा कि वो चाहे तुम आराम से चलो चाहे तेज चलो, भाई साउंड तो आ गई आएगा ही निकाल के, वो तो निकाल के देगी भाई तेज। तो उसमें कोई यू नहीं कि भाई कहाँ जाओगे इस पर बैठ गए, ये तो बैठने लायक नहीं है इस पर। भाई इसने ऐसे टर्न पे खड़ा करा हुआ है ना, क्या बताऊं। अरे बच्चों के रिएक्शन चेक करो। तो अभी हम लोगों ने भाई हो गए हैं न्यूट्रल फुल, और अभिजीत भाई का तो पता नहीं भाई वो कहाँ रहेगा, मतलब इतना लेट करते हैं ना भाई, आराम आराम से चल रहे हैं। अब मे बी वो व्लॉग बना रहे तो थोड़ा लेट लगेगा ही। कहा उन्होंने कि मैं भी शूट कर लेता हूँ, मैंने कहा भाई करो यार ऐसे टाइम पे, तो हम लोग तो भाई हमको तो टाइम चाहिए और बहाना चाहिए भाई कि हम कब जाएं और कब व्लॉग शूट करें। बट वही चीज़ है ना यार कि हमारे एरियाज में क्या होता है कि हम लोग सब जगह दिखा चुके हैं आप लोगों को, ऑडियंस भी बोर हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ जाएं आप लोग बताओ। रेगुलर और रोज रोज हम लोग ऋषिकेश देहरादून तो नहीं जा सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को यहीं आसपास ही ब्लॉग बनाना पड़ता है, और जिस वजह से भाई आप लोगों को पता है भाई आप लोग भी देख देख के बोर हो चुके हैं, और हम लोग भी यार बोर हो चुके हैं एक ही जगह घूम घूम के। बट क्या करें, वीडियोज डालने के लिए भाई जाना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ही। और कभी कभी तो यार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यार हम लोग कुछ ना करके भी, मतलब हमारी मजबूरी बन जाती है भाई कि हम लोग व्लॉग नहीं डाल पाते। तो अब यार कुछ फैमिली में भी होता है और कुछ वैसे भी हो जाता है यार सीन की, यार अभी कहीं जा नहीं पाए, कहीं शादियों में गए हुए तो यार शादी में कहाँ व्लॉग बनाने का टाइम मिलेगा, उस वजह से भी यार वो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट हम लोग यार कोशिश पूरी करते हैं कि यार जल्द से जल्द आप लोगों के लिए मतलब टाइम पर व्लॉग आ जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते भाई हम लोग। बट आप लोगों के लिए टाइम पे हम लोग ब्लॉग लेके आ जाएं, वीडियोस लेके आ जाएं, बस वही हम लोग चाहते हैं। और उसके लिए ना भाई हम लोग भाई हर टाइम कोशिश करते हैं कि यार बस कुछ ना हो बट टाइम पे वीडियोस आ जाएं। तो कभी कभी लेट हो जाता था यार, उसके लिए भाई थोड़ा सा इग्नोर करना। अब कल मेरी वीडियो आ जानी थी बट ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। अब लेट क्यों हुई है, उस वजह से क्योंकि हमारी रोड पे ना जहाँ मैं रहता हूँ भाई कॉलेज रोड पे हमारा कमरा है, वहाँ भाई अब रोड का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मतलब रिपेयर हो रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उस वजह से उन्होंने वो रोड बंद कर दी भाई, और वहाँ अब गाड़ियाँ वगैरह बंद कर दी है चलानी, उस वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया। तो फिर मैं ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाया, मतलब बाइक निकालने का टाइम ही नहीं मिला, बाइक निकाल ही नहीं पाता भाई मैं, उधर रोड का काम चल रहा था, पूरी रोड उन्होंने तोड़ी हुई है, कहीं नहीं जा पाया, बंद करी हुई है भाई दोनों तरफ से, इसलिए भाई हम लोग वीडियोज़ नहीं बना पाए। वरना हमारा प्लान कल शाम को भी जाने का था, तुम लोग शाम को जाएंगे, मैं और अभिजीत भाई कुछ शूट करेंगे भाई। जय हो भाई शनिदेव की। बट फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं भाई आप लोगों के लिए वीडियोस रेगुलर लेके आए, तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबा वो हो गया भाई भाषण मुझे पता है, बट थोड़ा चीज़ें कुछ होती है ना भाई कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है भाई आप लोगों से डिस्कस करना, ताकि आप लोग भाई ऐसे डाउट में ना रहो कि यार वीडियोस नहीं डाल रहा ये वो सो, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया भाई किसी रीज़न से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट अभी इस वीडियो को एंजॉय करो क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है राइड करने का, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा भाई खतरनाक वाला, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं कोटी कॉलोनी, और कोटी कॉलोनी जाके भाई आप लोगों को व्यू तो तगड़े देखने को मिलता है, और वहाँ जाके क्या सीन होता है भाई वो तो आप लोगों को पता चलेगा आगे जाके। तो वीडियोज़ को पूरी देखना, अभी थोड़ा खींचते हैं यहाँ पे। भाई तो यहाँ पे छोटा सा ही है जहाँ पे आप लोग खींच सकते हो बाइक को,
और अभी हम लोग कोटे कॉलोनी पहुंचने वाले हैं भाई, जस्ट 3-2 किलोमीटर और बचा हुआ है। यहाँ से देखो भाई ये व्यू चेक करो, क्या ही बढ़िया व्यू आता है यहाँ से निकल के, देख रहे हो। और अभी तो पानी का जो लेवल है ना भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब इतना कि क्या बताऊँ। अभी जस्ट यहाँ पे देखोगे ना तो यहीं यहीं तक पानी आया हुआ है, और व्यू तो बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये चेक करो सीन। अभी हम लोग इस गली से आए भाई क्योंकि यहाँ पे ना चेकिंग होती है। ओ तेरी भाई, इधर इतने बड़े बड़े ब्रेकर हैं ना क्या बताऊँ। और आ गए भाई हम लोग यहाँ पे जहाँ से अंदर के लिए जाते हैं, और अभी देखते हैं ये लोग अंदर जाएंगे कि नहीं पता नहीं। तो भाई आ चुके हैं हम लोग टीरी, जो लेक है भाई आप लोगों की। और अभी जा रहे हैं हम लोग आगे सामने में जहाँ पे आप लोगों को ये पानी देखने को दिख रहा होगा। अरे आज अपने आप अपने को फायदा मिलेगा क्योंकि मैंने बूट्स पहने हुए हैं, राइडिंग बूट्स। ये तो थोड़ा वाटरप्रूफ है भाई, तो भीगेंगे तो नहीं एक लेवल तक, बट अगर लेवल से ओवर हुआ तो भाई तो भीगने के पूरे चांसेस हैं। भाई इतनी ठंडी पड़ रही है ना, आह क्या बताऊं मैं, पानी को इन जूतों को पानी में डुबा के ना भाई बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, मतलब मैं बता नहीं सकता। क्या हाल है, और ध्यान से देखिए भाई इन शख्स को, जानते हो इन्हें कौन कौन जाता है, कमेंट करके बताओ कौन कौन जानता है भाई इनको। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कोई जानता ना हो। One eternity later. तो अभी चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने भाई अपने को नीरज भैया मिले थे, तो जो कि अभी ऋषिके जा रहे हैं शायद से अपनी NS को लेके। तो आज जीनोस नहीं आई, NS आई है वहाँ पे, बाकी सामने आप डॉक्टर और प्रिंस भाई की RS खड़ी है। अबे भाई इसकी चाबी किधर है, तब आएंगे ऊपर। अभी जा रहे हो ऋषिके कुछ काम? अच्छा कहीं नहीं, हम तो ऐसे आए वहाँ सामने चलते हैं, रील रूल बनाएंगे। साहब खतरनाक, भाई साहब भाई फिर भी यार 250 और 150 में तो कुछ तो फर्क होगा। ये वापस से 150 250 आगे निकल गई। ये साउंड तो एक नंबर फेंक रही है भाई ये। तो होप आप सभी लोगों को अभी तक वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। फिर आप लोगों को थोड़ा सा भी मज़ा आया ना भाई वीडियो देखने में, तो वीडियो को जरूर से लाइक ज़रूर कर देना,
चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना भाई, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताना। बाकी अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।